Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Smart City Mission, and this topic is important from our syllabus GS Paper 2, Governance Point of View. It is also important from our syllabus GS Paper 5, Assam Issue's Point of View. सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में तो दिस मिशन वाज स्टार्टेड इन 2015 फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इयर्स मींस इट स्पैंड फ्रॉम 2015 टू 2020 और इसका मेन गोल था कि हमारे देश के हंड्रेड सेलेक्टेड सिटीज़ को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाए तो स्मार्ट सिटी का मतलब है कि सिटी विच इज़ इक्विप्ड विथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे ट्रांसपोर्टेशन का या फिर ड्रेनेज सिस्टम का इलेक्ट्रिसिटी का सस्टेनेबल सप्लाई ये सारी चीज़ें उस सिटी में अवेलेबल होनी चाहिए दैट शुड एंश्योर डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सो दिस वाज द गोल ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन दैट वॉज स्टार्टेड इन 2015 और इसमें कैसा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया एडिक्वेट वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सस्टेनेबल सैनिटेशन एफिसियंट अर्बन मोबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल हाउसिंग इन आईटी कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस ये सारे आइडियाज़ पे फोकस करने की बात थी इन हंड्रेड सिटीज़ के अंदर और इस तरीके से इन हंड्रेड सिटीज़ को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाना था इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब पार्टली द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस स्कीम विल बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली द एक्सपेंडिचर विल बी मेड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट तो यही मतलब होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का इसके ठीक विपरीत अगर कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसका मतलब ये होता है कि 100 परसेंट जो एक्सपेंडिचर है वो भारत सरकार बियर करेगी तो स्मार्ट सिटी मिशन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम था जिसका मेन गोल है आ, कि सिटीज़ को स्मार्ट कन्वर्ट किया जाए स्मार्ट तरीके से डेवलप किया जाए तो अगर आप देखें तो इस आर्टिकल में बात किया गया है गुवाहाटी सिटी के बारे में तो अमंग्स दीज हंड्रेड सिटीज़ दैट वेयर सेलेक्टेड that were to be converted into smart cities one such city was guwahati but agar aap apne guwahati city ko dekhe to it still lacks basic amenities like running water supply to kam se kam 70% to aise ghar hain aaj bhi guwahati mein jahan pe running water supply nahi hai और वहाँ पे फिर इस तरह के water tanker का इस्तेमाल किया जाता रहा है water supply के लिए तो कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो water tanker के suppliers हैं ये लोग इलीगल तरीके से डीप बोरिंग करके शहर के बाहर से पानी लाते हैं और उसको फिर शहर में बेचते हैं एंड दे हैव डेवलप्ड अ नेक्सस विद द अथॉरिटीज ऐसा एलिगेस हैं हैव डेवलप्ड नेक्सस विद द अथॉरिटीज़ टू डिले द स्मार्ट सिटी मिशन ताकि जितना डिले होगा तब तक इन टैंकर माफिया का बिजनेस चलता जाएगा तो ये सब एलिगेशंस कभी कभार अखबारों में लगते रहते हैं अलग अलग आर्टिकल्स में उसके अलावा आप देखो ड्रेनेज फैसिलिटी खराब है हमारे सिटी की का जैसे अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई और पूरा शहर दो घंटे की बारिश में फ्लडेड हो जाता है पावर सप्लाई जो है वो स्ट्रीम नहीं है देर इज़ अ लॉट ऑफ इरेक्ट्रिक पावर सप्लाई उसमें आ, कब पावर सप्लाई बीच बीच में डाउन होता रहता है कंजेशन फ्री ट्रैफिक जो है अभी भी हमारे सिटी से काफ़ी दूर है तब द आइडिया ऑफ कंजेशन फ्री ट्रैफिक जो एक स्मार्ट सिटी का इंटीग्रल पार्ट है दैट इज़ नॉट सीन इनआर सिटी गुवाहाटी वाटर सप्लाई के लिए जी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जापान इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन अग्रीमेंट तो जापान के साथ ये अग्रीमेंट साइन करके गुवाहाटी के अंदर वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था दैट स्टार्टेड इन 2009 बट दिस जी का प्रोजेक्ट इज येट टू बी कम्प्लीटेड ओवरऑल इन आवर सिटी गुवाहाटी तो मुद्दा यह है कि स्मार्ट सिटी मिशन जहाँ पे 100 सिटीज़ को स्मार्ट बनाया जाना था पाँच सालों में 2005 से 2020 2015 से 2020 के बीच में लेकिन आज भी यहां पे कई सारे सिटी जो हैं उनकी बेसिक कम्युनिटीज पूरी नहीं हुई हैं इंक्लूडिंग आर सिटी गुवाहाटी विच वाज वन ऑफ द टारगेटेड सिटी अंडर स्मार्ट सिटी मिशन अगर फ्लड की बात की जाए तो आज भी हमारा सिटी जो है फ्लड से काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है फ्लड देखिए दो तरीके के होते हैं नेचुरल फ्लड एंड आर्टिफिशियल फ्लड तो नेचुरल फ्लड हैपन्स बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर्स लाइक ओवरफ्लो ऑफ रिवर वाटर मानसून रेनफॉल क्लाउड बस्ट इटीसी बट आर्टिफिशियल फ्लड इज मेनली बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड चोकिंग ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम बिकॉज ऑफ डिस्पोजल ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम और डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज इज इन द ओपन ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे स्टेट में या हमारे सिटी गुवाहाटी में अक्सर देखा जाता है सो आर्टिफिशियल ड्रेनेज या आर्टिफिशियल फ्लडिंग का प्रॉब्लम हमारे सिटी गुवाहाटी में ज्यादा देखा जाता है और यही कारण है कि जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वाटर क्लॉगिंग का प्रॉब्लम या वॉटर चौकिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है आर्टिफिशियल या अर्बन फ्लडिंग इसे वो कहते हैं अर्बन फ्लडिंग आर्टिफिशियल फ्लडिंग इज कॉज्ड बाय पुअर अर्बन प्लानिंग लाइक चोकिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ड्यू टू पॉल्यूशन तो अगर हमारे सिटी गुवाहाटी की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे जो फ्लड आता है मानसून महीने में दैट हैज लेस टू डू विथ नेचर ये नेचुरल फ्लड नहीं है इट इज़ मोर टू डू विथ द पुअर प्लानिंग आप देखिए एक डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट का नाम आपको याद कर लेना चाहिए कभी भी आर्टिफिशियल या अर्बन फ्लडिंग पे सवाल आए जो कि आने के चांसेस ज़्यादा हैं आने वाले टाइम में क्योंकि हमारा शहर तो आपको पता ही आर्टिफिशियल फ्लड से कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो वहाँ पर आपको इस डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन करना चाहिए मिशन फ्लड कंट्रोल गुवाहाटी इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ द आसाम गवर्नमेंट एंड गुवाहाटी मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस मिशन फ्लड कंट्रोल गुवाहाटी में साफ साफ कहा गया है कि द अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी लीड्स टू आर्टिफिशियल और अर्बन फ्लडिंग इन गुवाहाटी हमारे शहर का जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी अनप्लैंड और हैफ़ हजार तरीके से हुआ है जिसको जहाँ मन किया वहाँ घर बना दिया जैसे मन किया वैसे फिर रोड्स या ड्रेनेज सिस्टम बना दिए गए पुअर प्लानिंग के साथ तो कई जगहों पर आप देखेंगे कि नाले जो हैं वो ड्रेनेज से वो ड्रेनेज के नाले जो वो ऊपर हैं रोड नीचे है तो नेचुरल से बात है कि नाले का भी पानी सड़क पे आएगा ही आएगा सो दीज प्रॉब्लम्स यानी कि हैप अजार्ड एक्सपेंसन एंड अनप्लान्ड एक्सपेंसन इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ चोकिंग ऑफ आर सिटी एंड अर्बन फ्लडिंग अगर स्मार्ट सिटी मिशन की बात की जाए गुवाहाटी को के लिए इस तरह का इमेज रिलीज़ किया गया था कि गुवाहाटी में इस इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे इस ट्विन टावर लाया जाएगा और गुवाहाटी स्मार्ट सिटी मिशन के बाद यानी कि 2020 तक कुछ ऐसा दिखेगा लेकिन आज भी हमारा शहर गुवाहाटी ऐसा ही दिखता है राइट right? वो जो बोरा गांव वाला गार्बेज डंपिंग साइट है आज भी ऐसा ही है कुछ सो द प्रॉब्लम इज कि स्मार्ट सिटी मिशन हैज़ नॉट इल्डेड द आउटकम एग्जैक्टली एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस बट ये सिर्फ गुवाहाटी शहर की बात नहीं है स्मार्ट सिटी मिशन पे अगर इन जनरल सवाल आ जाए जीएस पेपर टू में आ सकता है गवर्नेंस में तो आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देर आर अबाउट 5,151 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिसमें से सिर्फ वन थर्ड प्रोजेक्ट ही लगभग अभी तक कंप्लीट हो पाए हैं टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग दो लाख करोड़ का होना था लेकिन सिर्फ लगभग पच्चीस से छब्बीस हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो पाया है देर आर ओनली फ्यू सिटीज हैव डन देअर जॉब सीरियसली अंडर स्मार्ट सिटी मिशन फॉर एग्जाम्पल पुणे हैज़ बिगन बाई रेजिंग फंडस थ्रू इशुएंस ऑफ मुंसिपल स्मार्ट सिटी बॉन्ड तो पुणे ने एक अपना फंड रेज करना शुरू किया अलग से स्मार्ट सिटी बॉन्ड रिलीज करके वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भुवनेश्वर हैज़ लॉन्च रेलवे मल्टी मॉडल हब हाई टेक ट्रांसपोर्ट सिग्नल सिस्टम अंडर स्मार्ट सिटी मिशन सो दीज आर सम सक्सेसफुल एग्जाम्पल अंडर स्मार्ट सिटी मिशन अदरवाइज स्मार्ट सिटी मिशन ओवरऑल हैजेड टू डिश्मल परफॉर्मेंस ओनली आप देखो अगर ओवरऑल क्वा, एयर क्वालिटी की बात की जाए तो दुनिया के दस में से सात सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी हमारे देश भारत से ही हैं वन ऑफ द गोल ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन वॉज टू ब्रिंग डाउन एयर पॉल्यूशन एज वेल तो ये सारे नेगेटिव्स हैं और इन सब के बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन हैज़ नॉट ईडेड आउटकम एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशंस अगर गुवाहाटी की बात की जाए तो मैनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैव बिन टेकन अप छोटे मोटे जैसे डेवलपमेंट ऑफ बॉर्सोला बील इस तरह के बारालू रिवर डेवलपमेंट अब बरालू रिवर डेवलपमेंट वॉज पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेकिन अब जाकर के देखो तो बरालू रिवर में आज भी वैसे ही गंदगी है वैसे ही पानी भर जाता है दिपोर बील लेक का डेवलपमेंट तो इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स थे आई सी टी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कई सारे प्रोजेक्ट्स थे जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं अंडर स्मार्ट सिटी मिशन इन गोवाहाटी आप देखो तो एक ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल अच्छे तरीके से सक्सेसफुल एग्जाम्पल दिखता है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वो है गांधी मंडप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो थोड़ा बेहतर दिखता है और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ही उसको डेवलप किया गया है इस बार का जो ए मेंस हुआ था फेबररी महीने में उसमें यह सवाल आया था स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कि स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेज डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन तो इस सवाल को आप आंसर कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ द हिंट्स दैट आई हैव गिवन हियर आप इनको पढ़िए इसमें बेसिक सवाल यही है कि अर्बन एरियाज़ तो तभी सर्वाइव कर पाएंगे ना जब तक उनके आसपास के जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप्ड या कैपेबल ना हो तो अर्बिन स्मार्ट सिटीज़ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट स्मार्ट विजेज यानी कि अर्बन एरिया की कई सारे जो रिक्वायरमेंट हैं फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की मिल्क की ये सब तो रूरल एरिया से ही आते हैं और अगर ये जो रूरल एरिया का प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो और रूरल अर्बन एरिया का ठीक तरीके से इंटीग्रेशन ना हो तो अर्बन एरिया के नीड्स ठीक से पूरे नहीं होंगे एंड दिस इज हाउ द क्वेश्चन सेज और आस्क You to explain the idea case survival of a smart city is completely dependent of, on smart villages. The next article is about genetically modified food crops. So in India, now we will have the first genetically modified food crops. This topic is important from our syllabus GS paper 3 biotechnology point of view as well as environment point of view. क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वो भी ज़रा समझते हैं तो देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का सरल सा मतलब है जैसा नाम से आप समझ सकते हैं कि, कि किसी भी क्रॉप को आर्टिफिशियल तरीके से उसको ऐसे डेवलप किया जाए कि उसके अंदर डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएं तो उसके लिए उसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह डालना होता है ताकि उस क्रॉप के अंदर डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ डेवलप हो जाए फॉर एक्जाम्पल यू सी दिस इज अ नॉर्मल कॉटन क्रॉप अगर आप इस नॉर्मल कॉटन क्रॉप के साथ आप एक स्पेशल बैक्टीरिया जिसका नाम है बैक्सिलस थेरेंजिनेसिस इसको आप हाइब्रिड क्रिएट कर दें इस कॉटन के साथ आप इस बैक्टीरिया का एक हाइब्रिड क्रिएट कर दें देन यू कैन हैव बीटी कॉटन जिसको हम लोग कहते हैं बीटी कॉटन बैक्सीलस थैरेंजेनेसिस कॉटन दिस बीटी कॉटन इज एक्चुअली अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अभी ये जो बीटी कॉटन है इट हैज बिन डेवलप्ड बाय यूएस कंपनी बेयर मॉन्सैंटो बीटी कॉटन का एडवांटेज क्या है नॉर्मल कॉटन के ऊपर कि जैसे बैक्सिलस थेनेजेनेसिस कॉटन ये एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है इट इज इम्यून फ्रॉम अटैक ऑफ पिंक बॉल वर्म जो एक तरीके का पेस्ट है तो ये सब फायदे हैं कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के कई सारे फायदे होते हैं जैसे इस पर पे पेस्ट अटैक नहीं करता इनका सेल्फ लाइफ लंबा होता है यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होते हैं दे रिक्वायर लेस वाटर दे रिक्वायर लेस पेस्टिसाइड लेकिन कुछ चैलेंजेज भी हैं कुछ थ्रेट्स भी हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ एसोसिएटेड हैं जैसे जो सबसे पहला चैलेंज है वो ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन डैमेज बायोडाइवर्सिटी और दूसरा इट मे हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ खासकर अगर हम लोग फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करें ऐसे क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से डेवलप करें जिनका हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर कई सारे साइंटिस्ट्स का मानना है कि इट मे हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ इस केस में कॉटन तो देखिए खाने का इस्तेमाल होता नहीं है इट इज़ यूज टू क्रिएट यान तो इसका ज़्यादा हमारे हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा लेकिन हाँ जो पहला चैलेंज है कि बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ सकता है बिकॉज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उसका कारण समझते हैं हाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन इंपैक्ट बायोडाइवर्सिटी इन नेगेटिव फैशन तो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मान लीजिए और आपने इस किसान ने अपने यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगाया है तो अब जो पेस्ट्स हैं ये पेस्ट तो इसको डिस्ट्रॉय कर नहीं पाएंगे इसको खा नहीं पाएंगे तो कई सारे पेस्ट जो हैं वो मर जाएंगे बट सम ऑफ द पेस्ट्स विल सरवाइव दे विल इवॉल्व क्योंकि यू नो इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस एवरी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इन ऑर्डर टू सरवाइव दैट इज द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो इस तरीके से मेनी पेस्ट्स विल डाई बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अटैक दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बट सम ऑफ द पेस्ट विल सर्वाइव एंड दे विल इवॉल्व अब ये जो इवॉल्व पेस्ट्स हैं ये थोड़ा बहुत डैमेज कर पाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लेकिन जो नॉर्मल क्रॉप्स उगाने वाले फार्मर्स उनके क्रॉप्स को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा तो इस तरीके से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दिस एरिया बिकॉज ये जो पेस्ट इस एरिया में डेवलप हो गए हैं इनके सामने नॉर्मल क्रॉप्स तो टिक नहीं पाएंगे एंड दिस इज हाउ बायोडाइवर्सिटी विल बी लॉस्ड बायोडायवर्सिटी डाइवर्सिटी माने अलग अलग तरीके के जो क्रॉप्स एक जगह हो अलग अलग तरीके के स्पीसीज एक तरी जगह पे हो तो उसको हम लोग कहते हैं बायो डाइवर्सिटी लाइफ में डाइवर्सिटी लेकिन इस केस में नॉर्मल क्रॉप्स या नेचुरल क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रह गए दैट विल लीड टू लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी तो ये सब कुछ थ्रेट्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर के हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है या बायोडाइवर्सिटी पे निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और इसी कारण से हमारे देश में वैसे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाने के कई सारे ऑप्शन हैं बट हमारे देश की एक एजेंसी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जी ई ए सी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको काम दिया गया है कि आप केस बाय केस स्टडी करें और आपको जब लगता है दिस जी ई ए सी हैज दिस पावर टू स्टडी केस बाय केस एंड वेन इट फील्स लाइक कि कोई भी एक क्रॉप जो है वो हेल्थ पे ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करेगा या बायोडावर्सिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करेगा तो ही आप उस क्रॉप को अलाउ करें फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन तो जी केस बाय केस स्टडी करता है और अभी तक जी ने बस एक ही क्रॉप को अलाउ कर रखा है फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन और वो है बीटी कॉटन बैक्सिलस थे कॉटन उसके अलावा कई सारे और ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास एच टी बी टी कॉटन दैट इज हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड बैक्सीस थरेंजेनेसिस कॉटन, बी टी ब्रिंजल यानि कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टाइप का ब्रिंजल का ये एक क्रॉप uh, है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जिसको हम लोग कभी कभार डी एम एच वन मस्टर्ड भी कहते हैं यानी कि एक हाइब्रिड तरीके का मस्टर्ड है भी चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं लेकिन इसमें से बस अभी तक बीटी कॉटन को ही कॉमर्शियली उगाने का आ, आ, का परमिशन दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने ऑल अदर क्रॉप्स आर नॉट परमिटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन आपको यह भी बात जाननी चाहिए कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाया गया है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और इसी कानून के हिसाब से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से अगर कोई भी इंसान ऐसा क्रॉप उगाने की कोशिश करता है जो जी ई ने अलाउ नहीं किया है ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उगाने की कोशिश करता है जिसको जी ई ने अलाउ नहीं किया है तो उस इंसान को एक लाख का फाइन या पाँच साल की जेल का की सजा भी हो सकती है अब इसी से रिलेटेड यह करंट न्यूज है करंट न्यूज यह कहता है कि जी ने अब अप्रूवल दे दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को उगाने के लिए एट कॉमर्शियल स्केल सो जी ई ए सी हैज क्लियर प्रपोजल फॉर कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इसके पहले 2017 में भी जी ई ए सी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का कॉमर्शियल कल्टिवेशन को अलाउ किया था लेकिन उस टाइम में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको वीटो आउट करके इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था लेकिन इस बार वापस से अप्रूवल दिया है जीईससी ने फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड प्रोडक्शन जिसको हम लोग डीएमएच वन मस्टर्ड भी कह रहे हैं तो इसके साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप टू बी ग्रोन एट कॉमर्शियल स्केल एंड ओवरऑल इट विल बी सेकेंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप टू बी ग्रोन एट कॉमर्शियल स्केल क्योंकि पहला तो बी टी कॉटन है वो फूड क्रॉप तो है नहीं राइट right? और ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड दूसरा ऐसा क्रॉप है जिसको कॉमर्शियल स्केल पे उगाने का अलाउ किया है बट फायदे क्या होंगे हमारा देश भारत में आपको बात पता होनी चाहिए कि हम लोग अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं ओवरऑल वैल्यू वाइज तो वह है कुकिंग ऑयल खाने पीने के जो तेल है अलग अलग तरह के जैसे मस्टर्ड हो गया या कोकोनट हो गया तो कुकिंग ऑयल हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हम उगाना शुरू कर दें तो मस्टर्ड का प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ जाएगा जिससे ये जो इंपोर्ट है कुकिंग ऑयल का ये काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को उगाने के लिए कई सारे अप्रोचेज लिए जाएंगे उनका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है दी जीएम मस्टर्ड इज़ इम्यून टू वीड्स या पेस्ट्स तो पेस्ट्स जब इन पर लगेंगे नहीं या या फिर आप समझिए वीड्स जंगली पौधे आसपास में लगेंगे नहीं तो इस कारण से देर इज नो नीड टू हैव स्प्रे ऑफ ग्लूफो ग्लूफोसिनेट अमोनियम दैट वॉज़ यूज टू किल द वीड्स वीड्स मतलब जंगली पेड़ पौधे जो नॉर्मल हमारे क्रॉप्स के आस में लग जाते हैं तो जब ग्लूफोसिनेट अमोनियम को कि छिड़काव की या स्प्रे की, की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज जी क्रॉप के आसपास में वीड्स डेवलप नहीं हो सकते तो दैट विल लीड टू अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट विल लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ़ मैनुअल लेबर्स कई सारे लेबरर्स बिहार से उत्तर प्रदेश से उड़ीसा से आसाम से काम करने जाते हैं पंजाब हरियाणा जहाँ पे मस्टर्ड उगाया जाता है ज़्यादातर और वहाँ पे अब जी मस्टर्ड उगाना शुरू कर दिया जाएगा तो वहाँ पे वीड्स तो होंगे नहीं तो इन सारे वर्कर्स को फिर वहाँ पे नौकरी मिलेगी नहीं क्योंकि इनको वहाँ पे वीड को स्प्रे करने का ये ग्लूफोसिनेट अमोनियम साइड को स्प्रे करने का काम मिलता है दैट विल लीड टू डिसप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल लेबरर्स इट विल अंडरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ हनी बीज अभी नॉर्मल जो नेचुरल मस्टर्ड होता है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेक्टर फॉर हनी बीज एंड इट ऑल्सो एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पॉलिनेशन बट एक बार जब जेनेटिकली मॉडिफाइड हम मस्टर्ड उगाने लगेंगे तो हनी बीज को ये नेचुरल तरीके से आने वाला नेक्टर मिलेगा नहीं एंड दैट विल हैव निगेटिव इंपैक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ हनी बीज इस टॉपिक के बेसिस पे ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट इन यू पी एस सी फिल्म टू थाउजेंड एटीन इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए यहाँ पे हमने हिंट्स भी दे रखा है इस हिंट्स को देखिए और इस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट कीजिए फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सैटेलाइट फोन एंड दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉरमर सिलेबस जी एस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू सैटेलाइट फोन क्या होता है सैटेलाइट फोन एक ऐसा फोन होता है जो किसी दूसरे कम्युनिकेशन यूनिट के साथ कनेक्ट कर सकता है वाया सैटेलाइट तो ये सैटेलाइट फोन है यहाँ से सिग्नल्स भेजे जाएंगे सेटेलाइट को और वहाँ से फिर वो अर्थ इस्टेशन पर आ के वहाँ से फ़ोन लैंडलाइन पे भी लग सकता है सेलुलर फ़ोन पे भी लग सकता है या दूसरे सैटेलाइट फ़ोन्स पे भी लगाया जा सकता है जिससे कम्यनिकेट किया जा सकता है सो दे आर इन जनरल दे आर वेरी मच सिमिलर टू टेरिस्टीरियल मोबाइल फ़ोन जैसे हमारे धरती पर बाकी जो मोबाइल फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं उनके तरह ये सिमिलर होता है बट एक फ़ायदा क्या है कि और और मोबाइल फ़ोन्स की तरह ये वॉइस ट्रांसफ़र भी कर सकता है मैसेजिंग सर्विसेज भी दे सकता है या कुछ हद तक लो बैंड वाले इंटरनेट एक्सेस भी दे सकता है लेकिन सैटेलाइट का फ़ोन का फ़ायदा क्या है कि वो ऐसे एरिया में भी वो ऑपरेशनल रहेगा जहाँ पे इन जनरल मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं करते क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो वहीं काम करेगा जहाँ पे इस अर्थ स्टेशन से आने वाला नेटवर्क जो है उसको कवर करे लेकिन सैटेलाइट फ़ोन्स का रेंज ज़्यादा हो जाता है दैट इज़ वाई दे वर्क इवन इन दोज एरियाज़ वेयर इन जनरल मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स आर वीक पहला सेटेलाइट फोन लगभग तीस साल पहले 1989 में मोटोरोला नाम की कंपनी ने बनाया था मोटोरोला का उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था इन द फील्ड ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड सेटेलाइट फ़ोन्स धीरे धीरे वो डोमिनेंस ख़त्म हो गया अब फिर सैमसंग और आईफोन आ गए तो सैटेलाइट फोन वाज इन्वेंटेड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिक मोबाइल फ़ोन क्लासिक मोबाइल फ़ोन यानी कि नॉर्मल जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जी वाले जो स्टार्टिंग में आते थे इनका मेन लिमिटेशन क्या था नेटवर्क नहीं मिलता था तो नेटवर्क ना मिलना एक मेन प्रॉब्लम था लेकिन सेटेलाइट फ़ोन में नेटवर्क ना मिलना ऐसे पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती सो दैट इज़ हाउ क्यों क्योंकि तो सेटेलाइट से मदद से कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज हाउ दे प्रोवाइड वाइडर रेंज फॉर कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट फ़ोन वॉज पर्टिकुलरली यूजफुल इन मोस्ट आइसोलेटेड रीजन जैसे पहाड़ों पर आप जा रहे हैं जंगलों में आप जा रहे हैं वहाँ पर सेटेलाइट फ़ोन वे आर क्वाइट हेल्पफुल बट इंडिया में रूल क्या है इट इज़ नॉट लीगल टू कैरी अ सेटेलाइट फ़ोन अनलेस यू हैव परमिशन हमारे देश में सेटेलाइट फ़ोन ज़्यादातर फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज या सिक्योरिटी एजेंसीज कैरी करती हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेटेलाइट फोन कैरी करना अलाउड नहीं है क्योंकि इसको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता ट्रेस भी करना कठिन है इससे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है टेररिस्ट ग्रुप्स या इंसर्जेंट ग्रुप्स सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेटेन कर सकते हैं इसलिए सैटेलाइट फोन्स इन जनरल हैज़ नॉट बीन परमिटेड इन आवर कंट्री विदाउट परमिशन करेंट न्यूज़ ये है कि सऊदी अरबिया की जो कंपनी है आराम उसका एक एग्जीक्यूटिव को हाल फिलहाल में हमारे देश के उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड स्टेट के चामोली डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया गया बिकॉज ही कैरिंग सैटेलाइट फोन अब दिस न्यूज इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट आई जस्ट कवर दिस आइडिया ऑफ सैटेलाइट फोन ताकि आपको सैटेलाइट फोन और नॉर्मल मोबाइल फोन के बीच का अंतर पता लग जाए द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वेब पोर्टल एंड ऐप ऑन लचित बोरफुकान दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस मारेबसाइव असामिशूस पॉइंट ऑफ व्यू आप सबको पता है कि इस साल हम लोग लचित बोरफुकान जी का चार सौ बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं पंद्रह महीने का सेलिब्रेशन है जो शुरू हो चुका है आने वाले 24 नवंबर को जो बर्थ एनिवर्सरी होगी अहोम आर्मी जनरल लचित बोरफुकान की दैट विल बी फॉर फोर हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकान और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आसाम सरकार ने लचित बोरफुकान डॉट आसाम डॉट जी ओ वी नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया उसके अलावा एक ऐप भी लॉन्च किया है ताकि लोग अलग अलग जगहों से हमारे देश से अब दुनिया के बाकी कोनों से लचित बोरफुकान जी के लिए ट्रिब्यूट लिख सकें एस के फॉर्मेट में पोएम के फॉर्मेट में और वो फिर इन पोर्टल या ऐप की मदद से उनको अपलोड कर पाएं जैसे कि मैंने आपको बताया लचित बोरफुकान वॉज बॉर्न ट्वेंटी फोर्थ नवंबर सिक्सटीन ट्वेंटी टू तो इस साल दो हज़ार बाईस में चार सौवे बर्थ एनिवर्सरी होगी और पंद्रह मंथ का सेलिब्रेशन आसाम सरकार ऑलरेडी शुरू कर चुकी है इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट लचित बोरफुकान द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रलिम्स परसपेक्टिव तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेज को दिया जाता है इस तरीके के बीचेज को तो वो सारे बीचेज जो बहुत ज़्यादा क्लीन हैं एंड द उस बीचेस हु मेंटेन हाई क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स उन बीचेस को फिर ये ब्लू फ्लैग बीचेस का टैग दिया जाता है सो ब्लू फ्लैग बीचेस का टैग अगर किसी भी बीच को दी मिला है उसका मतलब है कि वो अल्ट्रा क्लीन बीच है ये जो सर्टिफिकेशन है दैट इज गिवन बाय डेनमार्क बेस्ड एनजीओ जिसका नाम है एन्वायरमेंट फॉर एजुकेशन फाउंडेशन फॉर एन्वायरमेंटल एजुकेशन इसमें 33 थ्री क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए ब्लू फ्लैग बीचेस का टैग दिया जाता है हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि इंडिया के दो बीचेस मिनी कॉय का थुंडी बीच एंड कदमत बीच लोकेटेड इन लक्षद्वीप हैव नाउ रिसीव्ड दिस इको लेवल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन और इसके साथ ही हमारे देश के टोटल 12 ऐसे बीचेज हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिसका नाम है एफ ई ई इन बारह बीच का नाम मैंने यहाँ दे रखा है एक बार इसको देख लीजिएगा रटने की ज़रूरत नहीं है कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं तो एल्यूमियम बॉडी ट्रेन इसके इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है इट विल लीड टू लोअर पॉल्यूशन लेवल एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील फ्रेम दैट इज राइट बट इट विल लीड टू लो हॉलेज या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए वन ओनली आन फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वॉज फर्स्ट फॉल इंप्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी एंड फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड और ये क्राउडिंग आउट से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्राउडिंग आउट इज ए सिनारी वेयर गवर्नमेंट इज यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज दैट मे ऑलरेडी बी प्रोडक्टिव दैट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग